सो गाइस हर्ष पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों अभी मैं हूँ भीवगढ़ के ऊपर। जो आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा ढाक भैरी का, वो व्लॉग में भी स्टार्टिंग में ये गढ़ के ऊपर ही आया था और आप देख सकते हो बैक साइड वो है ढाक का फोर्ट। और जब मैं यहाँ पर आया था दोस्तों तो ये जो लोकेशन है मुझे टेंडिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट लगा था। देख सकते हो एकदम ओपन ग्राउंड है, आजू बाजू का जो व्यू है एकदम परफेक्ट है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मीटअप प्लान किया था, मतलब सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर मेरे लाने का प्लान था। एंड मतलब एक छोटा सा मीटअप होगा, हम लोग नाइट स्टे करेंगे यहाँ पर, ऐसा प्लान किया था मैंने। और इंस्टाग्राम पर मैंने अनाउंस भी किया था और काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मैंने एंड टाइम पे वो कैंसिल कर दिया बिकॉज लॉकडाउन के काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे थे। पनवेल कर्जत साइड से काफ़ी सारे लॉकडाउन के न्यूज़ आ रहे थे, तो मैं सोचा कि इतने बंदे लोग को मैं यहाँ पर लाऊंगा और अगर लॉकडाउन कुछ हो जाता है तो हम लोग फर्स्ट जाएंगे यहाँ। इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था दोस्तों, इसलिए मैंने वो प्लान कैंसिल किया। वो प्लान तो हम लोग ने कैंसिल कर दिया, बट ये वीकेंड में फ्री था, मतलब वो प्लान किया था, इसलिए मैंने कोई और प्लान किया नहीं। तो मुझे यश और इन लोग बोले कि हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर टेंडिंग करने के लिए। इन लोग की फ्लेक्सिबिलिटी मुझे पता है, मगर इनके साथ हम लोग यहाँ पे फंस भी गए तो कैसे, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए हम लोग चार लोग यहाँ पर टेंडिंग करने आए दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे भीवगढ़। अभी सनसेट तो होने को आ गया है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा भीवगढ़ एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हम लोग जो खाना बनाना चाहते हैं उसका हम लोग तैयारी करते हैं। टेंट वेंट तो हम लोग ने सेट कर दिए और टुमारो मॉर्निंग वी विल बी एक्सप्लोरिंग द भीवगढ़, मतलब वो साइड हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तो हम लोग थोड़ा फोटोग्राफी कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज सनसेट जो है वो काफ़ी मस्त है, तो थोड़ा हम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करते हैं। दोस्तों अभी ऑलमोस्ट सनसेट हो गया, मतलब 5-10 मिनट्स में प्रॉपर सनसेट हो जाएगा। तो हम लोग ने सोचा कि भीवगढ़ एक्सप्लोर करने का जो काम है वो हम लोग कल मॉर्निंग करते हैं। तो अभी हम लोग के खाने की जो तैयारी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले हम लोग सोचा कॉफ़ी पी लें, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी बना रहे हैं। अभी हम लोग सनसेट का सीन एंजॉय करते करते कॉफ़ी पियेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लग जाएंगे अपने काम पर। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज मैंने सोचा कि थोड़ा दोस्तों से बात करता हूँ, व्लॉगिंग थोड़ा साइड में रखता हूँ। इसलिए कल मैं थोड़ा बातें कर रहा था, मतलब हम लोग गिटार प्ले करके सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। कल एकदम जो एनवायरनमेंट था एकदम मस्त था कल का, इसलिए मतलब ज़्यादा व्लॉग नहीं किया दोस्तों मैंने। तो अभी मैं उठ के थोड़ी कॉफ़ी बना रहा हूँ, कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग फ्रेश होके सीधा फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। पूरा फोर्ट में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जो न्यू केव मिला वो हम लोग फिर से देखेंगे, जिस लोग ने नहीं देखा उनको मैं फिर से दिखाऊंगा दोस्तों। बाय द वे अभी जो सनराइज़ है ना काफ़ी मस्त है, मतलब ऐसे सन के जो गॉड रेज जैसे बोलते हैं वैसे आ रहे हैं, तो सोचा थोड़ा टाइम लैप्स निकालूँ। और यहाँ पर पूरा का पूरा धक्का माउंटेन है, उसके बैक साइड से अभी एग्जैक्ट सनराइज़ होगा। अभी मैंने मेरा प्रीवियस क्लिप जब प्रीव्यू किया तब समझा कि जो स्मोक है पूरा मेरे लेंस के ऊपर ही आ रहा था गोप्रो के। बाय द वे दोस्तों अब सनराइज़ देख सकते हो, ये ढाक का फोर्ट मतलब माउंटेन, उसके बैक साइड फोर्ट है और यहाँ से अभी प्रॉपर सनराइज़ होगा। सुबह सुबह नेचर के वाइब्स लेते रहते हैं, ऐसे कॉफ़ी पीने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। बाय द वे आप सोचोगे एवेंजर्स के कप में कॉफ़ी पी रहा है, मतलब ये कप मैंने डीमार्ट से लिया था, इसके ऊपर प्लास्टिक के अंदर पूरा मेटल है, इसलिए मुझे कप अच्छा लगा इसलिए मैंने उठा लिया, बट इसका जो डिज़ाइन है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया एवेंजर्स का, बट स्टिल काम चलाना पड़ता है। कप मस्त है। तो दोस्तों अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग का बैग स्टैंड वेंट पूरा रोल अप मारते हैं और वो कैरी करके फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज आज संडे का दिन है, हम लोग को जल्दी निकलना है यहाँ से, बिकॉज मेगा ब्लॉक भी है संडे का दिन है, तो मेगा ब्लॉक रहते हैं ऊपर से लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है कर्जत साइड से, तो हम लोग को बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं है। यहाँ से ठाणे काफ़ी ज़्यादा दूर है और हम लोग यहाँ पर फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाय द वे मैं यहाँ पर पानी फिल करने आया था, आप देख सकते हो पानी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, मतलब उसके ऊपर का जो पानी पूरा ग्रीनिश है, उसके नीचे का पानी अच्छा है, बट इसको हम लोग डायरेक्टली पी नहीं सकते, तो
उसको बॉयल करके पीना पड़ेगा। कल रात को हम लोग ने यही पानी पिया पूरा बॉयल करके, तो थोड़ा सा टाइम गया बॉइलिंग एंड ऑल करे, मतलब बॉयल करके वो ठंडा करा एंड ऑल, बट बॉयल करके पीने में ही सेफ है। पानी इतना भी कुछ बुरा नहीं है, अगर बॉईल करके पीते हो तो परफेक्ट पानी है। टेंट एंड वो सब तो रोल अप करके हो जाएगा फटफट, बट कल हम लोग ने यहाँ पे जो कचरा किया है वो साफ़ करने में अभी वाट लगने वाली है काफ़ी ज़्यादा। मतलब इतना भी नहीं है, बस थोड़े कॉफ़ी के पैकेट्स, शुगर के पैकेट्स और टेट्रा पैक वेट्रा पैक है वो सब उठाने का, उधर पूरा अच्छे से साफ़ करने का है, बिकॉज ये एक गढ़ है और यहाँ पे लोग भी आते हैं ऊपर से ऐसा। ये देखो पब्लिक यहाँ पे आती है, मैं लास्ट व्लॉग में भी बताया था यहाँ पे टेंडिंग करते पूरे यहाँ पे पेपर प्लेट्स है, खाना वाना यहाँ पे डाल के जाती है। तो अगर आप आते हो दोस्तों तो प्लीज़ अपना कचरा अपना पूरा साफ़ करके जाना, अभी हम लोग को इतना सा पोर्शन थोड़ा साफ़ करने का है, हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं निकला हूँ भ्यूगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट वीकेंड भी हम लोग भ्यूगढ़ आए थे, बट कैसे हम लोग को धक्का फोर्ट क्लाइंब करना था इसलिए हम लोग ने भ्यूगढ़ ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, बट आज कैसे टाइम है अच्छा खासा तो देख लेते हैं हम लोग। आई होप कुछ ना कुछ मिल जाए, मतलब रिमेनिंग्स अवशेष। वैसा एक तो वो जो वाटर टैंक है वो तो हम लोग को पता है किधर है, बट उसके अलावा भी अगर कुछ मिल जाए तो एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। लेट्स सी क्या मिलता है हम लोग को। दोस्तों मेरे बैक साइड वो जो विलेज है वो है वदप विलेज, वहाँ से हम लोग ने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था और अभी यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रीनरी, हम लोग दूर दूर तक फार्म्स है और यहाँ पर कुछ दिख रहा है, मतलब कुछ रिमेनिंग्स दिख रहे हैं, बट वहाँ पे जाते कैसे मुझे पता नहीं है, तो अभी यहाँ से थोड़ा ट्राई करता हूँ। आई होप यहाँ पर कुछ स्टेयर्स या फिर कुछ मिल जाए। बाय द वे ग्रास काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। ओके तो वहाँ पर एक्चुअल में कुछ तो है, बट जाते कैसे देखना पड़ेगा। ओके तो अभी समझा कि ये पूरा का पूरा फोर्ट्रेस है, ऐसा पूरा कर्व ऐसा फोर्ट्रेस है और यहाँ से नहीं है बट वहाँ पे स्टेयर्स है आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग को एक क्लाइम करके वहाँ से डिसाइड मारना पड़ेगा सो दैट वी कैन गो दैट साइड। दोस्तों ये वो केव और ये जो आप देख सकते हो बड़े बड़े स्टोन्स है और वो पूरा का पूरा जो मिट्टी आपको दिख रहा है ये पूरा इसके अंदर धस गया था, पूरा का पूरा मतलब केव ऑलमोस्ट गायब हो चुका था, इतना इतना बस ऊपर का पोर्शन दिख रहा था। ये जो ग्रुप है इन्होंने पूरा का पूरा ये जो धसा हुआ केव था मतलब वाटर टैंक था वो पूरा निकाल के, मतलब उसका स्टोन्स वोन्स वहाँ पर डाल के ये पूरा का पूरा ओपन कर दिया है और अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर पानी भरेगा, मतलब और ये मॉनसून में फर्स्ट टाइम अभी ये पूरे वाटर टैंक में पानी भरेगा, प्रॉपर पीने का पानी रहेगा दोस्तों। मतलब मैं तो मॉनसून में खास ये केव देखने के लिए आने वाला हूँ यहाँ पर, और काफ़ी मतलब बड़ा केव और यहाँ पे मतलब मॉनसून जाने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टे भी कर सकते हैं, बस कचरा मत करना दोस्तों। तो वहाँ पर वो केव है और यहाँ से आप आगे आओगे तो यहाँ से स्टेयर्स है जो ऐसा डिसेंड करके आप जाओगे तो वो जो आपको मैं बताया था वो स्पॉट पर जाओगे। तो ये जो स्टेयर्स है वो प्रॉपर स्टोन में कार्व किए हुए स्टेयर्स है, मतलब ये प्रॉपर स्टोन था और उसमें ऐसा कार्व किया हुआ पूरा स्टेयर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है और नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी आई गेस उन लोग और एक कोई तो वाटर टैंक या फिर केव साफ कर रहे, लेट्स सी उनका थोड़ा के इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो
तो दोस्तों, मैंने जो बताया था कि वो जो नीचे का वाटर टैंक है, मतलब जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ वो वाटर टैंक है, वो प्रतिष्ठान कर्जत ने मतलब वो जो पूरा साफ किया था, वो गलत इन्फॉर्मेशन था। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ये जो दादा है, योगेश दादा, खाली जे आपण आता म्हणतो, त्यांनी जे सांगितलं आपल्याला, त्याला आम्ही अर्चना टाकं म्हणतो। ते अर्चना टाकं जे आहे ते आम्ही गेले एक वर्ष त्याचं संगोपनाचं आणि संवर्धनाचं काम करत होतो। तर ते टाकं जेव्हा सुरुवातीला आम्ही साप बघितलं तेव्हा ते 15 फूट फक्त आम्हाला दिसत होतं, पण नंतर आम्ही जेव्हा गाळ काढला तर कमीत कमी 5 ते 5.5 हायवा त्यातून गाळ निघाला असेल। म्हणजे दक्षिण उत्तर ते 45 फूट आहे आणि पूर्व पश्चिम ते 25 फूट आहे। तर भिवगड अखंड संवर्धन समिती ही आमची स्थानिक गौरकामाची समिती आहे। त्या समितीच्या माध्यमातून आम्ही ते पूर्ण टाकं साफ केलेलं आहे आणि आजही गडावरती विविध संवर्धन काम आमचं या गडावरती चालू आहे समितीच्या माध्यमातून। तो सो मैं जो नीचे आपको बताया, जो वॉटर टँक उन लोग अभी वापस जो साफ करे हुए, एक नया वॉटर टँक है, वो भी अभी आई गेस रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। अभी हम लोग का फोर्ट एक्सप्लोर करके हो चुका है और काफ़ी मस्त फोर्ट है, मतलब छोटा सा फोर्ट है, चढ़ना भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए आप मानसून में अगर आपको आना है यहाँ पे तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। प्रॉपर मतलब आपको नेचर का फील आएगा और गांव भी एकदम बाजू में, वदब गांव एकदम बाजू में है, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का भी आपको इशू नहीं है। कर्जत से वदब के लिए आराम से ऑटो बस मिल जाता है। तो यहाँ पर आप आओगे दोस्तों तो काफ़ी सारे आपको रिमेनिंग्स मिलेंगे देखने को। बाद में व्यू है, काफ़ी मस्त है, वदब का वाटरफॉल भी है। और अगर आपको धाक भैरी फोर्ट करना है तो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। मतलब दिसंबर तक प्रॉपर पानी भी फोर्ट पर रहेगा, बस समर्स में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, बॉयल वॉयल करके पीना पड़ेगा। सो अभी दोस्तों ये मीटअप तो हमारा कैंसिल हो गया एंड काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे, मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था ये मीटअप के लिए, बट आई एम रियली सॉरी मुझे मीटअप कैंसिल करना पड़ा दोस्तों। बट डू नॉट वरी, इन नियर फ्यूचर वी विल बी अरेंजिंग अ न्यू मीटअप एंड दिस मीटअप विल बी विद इन ठाणे सिटी। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम स्टोरीज के वाया मैं आपको मीटअप का जो अपडेट है वो दे दूंगा। एंड ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विद दैट बींग सेड गाइज, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।